हेलो दोस्तों, एड गोवा किचन में आपका स्वागत है। आज की मेरी रेसिपी है गोवन गरम मसाला। तो उसके लिए हमें चाहिए 1/4 कप खसखस यानी कि पॉपी सीड्स, 1 कप धनिया सीड्स, फिर 1/2 कप सौंफ और 1/4 जीरा, 20 लाल मिर्च, 1 ये स्टार एनिस, 5 या फिर 6 सिनामोन स्टिक्स यानी कि दालचीनी, यह है नटमैग, जायपत्री और 10 लौंग और 10 काली मिर्च। तो ये सब हमें ड्राई रोस्ट करने हैं, भूनना है अच्छे से। जब तक इनसे अच्छे से स्मेल आए तब तक हमें भूनना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये रेसिपी मेरे एक व्यूअर है सीमा कुंद्री, उन्होंने ये मुझे रेकमेंड की थी, तो इसलिए मैं इस पे एक वीडियो आज बना रही हूँ। तो एक एक करके हमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो भूनने हैं। तो यहाँ पे मैं पहले ये सौंफ डाल रही हूँ, तो इससे अच्छे से एक स्मेल आएगा, तब हमें समझना है कि ये अच्छे से रोस्ट हुए हैं। ये देखिए, और इनका कलर भी चेंज होता है। तो ये जो मसाला है ये गोवन जो करीज होते हैं उनमें ये डालते हैं, थोड़ा सा तीखा होता है ये मसाला। तो ये जो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए उनका मेजरमेंट, तो उससे लगभग 250 ग्राम का ये बनेगा मसाला। तो आप जितना ज़्यादा बनेगा उतने ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ेगी। तो अच्छे से इसे रोस्ट करना है। तो अगर कोई ये वीडियो पहली बार देख रहा है मेरे चैनल पे, तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगी कि मैं गोवन वेजिटेरियन रेसिपीज़ के वीडियोस बनाती हूँ। तो आप अगर गोवन रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, वेजिटेरियन रेसिपीज़, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी दबाएं, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। और अगर आपकी कोई गोवन डिश की ये है रिकमेंडेशन है, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। मेरे लिए कोई एडवाइस सजेशन वगैरह हो तो वो भी आप कमेंट में लिखें। तो इस तरह से एक एक करके हमें सभी जो मसाले हैं वो भूनने हैं। ये है खसखस, और फिर जब सब हम रोस्ट कर लेंगे तब हम एक 10 मिनट के लिए इसे ठंडा देंगे और फिर मिक्सर में इसे ग्राइंड करेंगे। तो मैं ज़्यादा मसाला नहीं बना रही हूँ, क्योंकि जितनी अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप मिक्सर में उतना नहीं बना पाएंगे, तो इसलिए मैं थोड़ी ही बनाती हूँ। और जितना फ्रेश आपका मसाला होगा तो उतनी टेस्ट भी उसकी अच्छी होती है। तो आप एकदम ज़्यादा मसाला बना के ना रखें, थोड़ा थोड़ा ही मसाला, फ्रेश मसाला बनाएं, ताकि जो टेस्ट है वो अच्छी रहे। तो यहाँ पे लाल मिर्च अच्छे से भुनना है। तो बाकी के जो मसाले होते हैं उनमें वेरिएशंस होते हैं, तो ये अभी थोड़ी देर के लिए मैंने ठंडा करने के बाद ये अभी मैं एक एक करके थोड़ी थोड़ी डाल के मिक्सर में डाल के इसे ग्राइंड करूंगी, क्योंकि हमें अच्छे से फाइन पाउडर बनानी है इसकी, तो थोड़ा थोड़ा करके ही बैच में हमें ये ग्राइंड करना है। तो ये देखिए, ये मैंने पाउडर बना ली और अभी मिर्ची मैं ग्राइंड करूंगी। तो यहाँ पे मैंने
आधा कप हल्दी पाउडर लिया है। तो अगर आप पे आपके पास हल्दी का रूट है तो वो भी आप ग्राइंड कर सकते हैं। तो मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने हल्दी पाउडर ही इसमें डाली। तो अभी मिक्सर में मैंने लाल मिर्च ग्राइंड कर ली है और इसमें अभी मैं फिर से ये जो पहले का भुना हुआ मसाला है ग्राइंड किया हुआ वो मैं इसमें डाल के सभी फिर से एक बार ग्राइंड करूंगी, तो अच्छे से ये मिल जाएगा, मिक्स होगा अच्छे से। ये देखिए बहुत अच्छी महक आ रही है। तो अभी ये एयरटाइट कंटेनर में हमें रखना है। तो आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ये रेसिपी ज़रूर करके देखें और कैसी बनी ये मुझे आप कमेंट में बताएं। तो कलर भी इसका बहुत अच्छा आया है और सुगंध भी इसकी बहुत अच्छी आ रही है। तो ये हमारा गोवन गरम मसाला रेडी है और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।